मेरा नाम भद्रेश कुमार शाह है, मैं यूपी में 30 साल से रह रहा हूँ। मेरे को 87 से इस तकलीफ का पता चला कि ये मेरे कार्य तकलीफ है। तब से मैंने वहाँ जाने का यहाँ था तब मुझे पता चला कि लेकिन वहाँ जाने का तय हो गया था, इसलिए मैं निकल गया। बाद में वहाँ मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जीवी के पास गया, जीवी बोला तेरे को बेहद डेफनेस है, तेरे को डेफनेस हो सकता नहीं, लेकिन हम हॉस्पिटल तब एक बार चेक कर रहे। पर हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे चेक किया, बाद में बोला इसका कोई इलाज नहीं है, तेरे को मशीन पहनना पड़ेगा। बाद में मैं मशीन पहनने से शुरू कर दिया। बाद पहले तो एक कार में ही तकलीफ थी, बाद में दूसरे कार में भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। बाद में दूसरा मशीन दिया। बाद में वहीं से इसे सभी जगह पे इतना सफ़र करता था, मेरे को काम में मजा नहीं आती थी, मेरी ड्यूटी में मजा नहीं आती, कोई मेरे को ऐसा बोलने का मन करता था, बोलिए तो सुन नहीं सकते, ऐसे क्या बात करिए, सुन नहीं सकते ये क्या बात करेगा। बाद में मैं इतना कन्फ्यूज कर, बाद में अपने काम में अपने ड्यूटी में चला। बाद में मेरी शादी भी हुई, शादी के बाद भी यही प्रॉब्लम हुआ, शादी के बाद भी बात पता चल, तुमने मुझे बताया नहीं था, तुमने मुझे ये नहीं कहा था, ये नहीं, मैंने बोला था लेकिन तुमने तब से तब कुछ इधर आने था, इसलिए तुमने बोल दिया था मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में मेरे को दूसरा कोई काम ऐसा काम भी सेट नहीं होता था, बाद में मेरे को बहुत सपोर्ट करता था, इसलिए मैं अपने आप को इतना मानता था कि मैं पीछे रह गया हूँ, पीछे में थोड़ा कम मेरे वहाँ जो होशियारी होती है होशियारी दिखती नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं करता ये सब। बाद में कितने सालों हो गया लेकिन बाद में मैंने किसी ने मुझे बोला कि एमपीआर जैसे चंडी रोड पे एक ट्रीटमेंट करता है, तो उसके पास गया तो उसने बोला तू आप 10 साल पहले आया होता तो तेरा ट्रीटमेंट नंबर करता, अभी तेरी मेरा से इतनी बढ़ गई कि तेरे मशीन से कोई मिला नहीं है। बाद में मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ लिया कि मेरा जो मेरा से वो रहने दे, मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बाद में मैंने ऐसे अपनी जिंदगी जीता था। लेकिन एक बार मैं यूके में बैठा था तो मेरे गुजरात लिस्ट में तो बैठा था, गुजरात समाज जाता था, इसमें जो एडवर्ड की ये प्रवीण भाई सुराना करके अहमदाबाद में कोई है उसका वो कागज था, तो कागज मैंने पढ़ा तो देखा उसका नंबर था, नंबर मैंने अपने मोबाइल में नोट कर लिया। बाद में मैंने उसको पूछा, बाद में मैंने ट्राई की, मैंने भाई मेरे गली को बोला, मेरे गली नंबर पर रहता है सचेत साहब, तो मैंने उसको बोला कि तू अगर उसे बता सकता है पता कर सकते मुझे पता। बाद में उसने फोन किया लेकिन मुझसे मालूम नहीं दूसरा नंबर होगा कि सर पता हो जाए यहाँ कोई नहीं है, तो बाद में मैंने तो भूल गया मेरे को होगा मालूम नहीं। बाद में मेरे को यहाँ आने का हुआ एक बार तो मेरे भैया ने मेरे को बोला कमजार में कोई है तो जरा तपास कर दे, तो फिर बाद में देखा कि मैं चलो तपास करता, फिर गूगल में फाइंड आउट किया तो सर्च किया तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, तो मैंने सुना के बाद मैंने उसके लोगों का कॉन्टैक्ट किया, लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मुझे जवाब दिया, अच्छी तरह से बहुत जवाब दिया कि जब तुम्हें यहाँ आना है 2 दिन पहले अपनी अपॉइंटमेंट ले लो, हम तुम्हें ऐसा और कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रोसेस बोलते तो कोई करने करने के लिए नहीं, होम्योपैथी में होम्योपैथी दवा देंगे और तुमको अच्छा सारा अच्छा एकदम अच्छा हो जाएगा। तो मैं चलो देखते हम जाने वाले हैं, इतने साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ, कोई काम में कोई मजा नहीं आती, जिंदगी मजा नहीं आती, चलो तो देखते रहे ना हुआ तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम ही नहीं था, काम में कोई किसी का प्रॉब्लम कुछ नहीं था, लेकिन कभी कैसे हो गए मुझे मालूम नहीं। तो बाद में मैंने यहाँ आया, मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई, अपॉइंटमेंट बुक करा तो मैं आया, मैंने सर्जरी को बोला मेरे को कुछ काम नहीं करना है, पहले यहाँ जाना है, आज यहाँ जाकर हम सब प्रकाश करेंगे सही है कि नहीं। तो हम यहाँ आए तो उन लोगों ने सब अच्छी तरह से मेरी ट्रीटमेंट की, आज मैं बिना मशीन से अपनी चेहरे से संपर्क इतना इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन पहले तो इतना हुआ था कभी कभी मेरे को हेल्प करनी पड़ती, किसी को कोई फोन आया जैसे मुझे हेल्प करनी पड़ती, भाई तेरा फोन आया है तेरा तू सुनाई नहीं देता कि जीप में पड़ तू क्या सुख कर रहा है, तो अभी मेरे को इतना थोड़ा इम्प्रूव लगता है, मेरे को आजकल तो कॉन्फिडेंस उठ गया है, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाएगी। जिसको बेरा से जिसको कार की तकलीफ है कोई किसी प्रकार की तकलीफ, मैं मानता हूँ कि एक बार यहाँ तपास करने के लिए यहाँ ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, उस ट्रीटमेंट से तुम्हारा इतना फायदा होगा, तुम्हारा जिंदगी का सारा चेंज हो जाएगा, तुम्हारा मकसद तुम्हें लगता है छूट जाएगा, तुम्हें काम करने की उम्मीद चेक करने लगेगा कुछ ऐसा है।